राजपाल 96 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया जो कि एक फ्रीजर में विकसित हो रही थी। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं लव डेथ एंड रोबोट्स आइस एज नामक एक विज्ञान फाई और फैंटेसी शो की व्याख्या करने जा रहा हूँ। एक युवा जोड़ा अपने नए अपार्टमेंट में रहने जाता है। जैसे ही रॉब पति कुछ बक्से लेकर आता है, उसकी पत्नी गेल उसे कोने में एक पुराने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताती है जिसे मकान मालिक पीछे छोड़ गया था। रॉब को ये दिलचस्प लगता है, ये देखते हुए कि आजकल रेफ्रिजरेटर की तरह मोटर नीचे की बजाय ऊपर है। चूंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, वो टिप्पणी करते हैं कि मोटर को नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है, जिससे इससे पैदा होने वाली गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के ऊपर जा सके। हालांकि गेल बमुश्किल ध्यान देती है और वो बस रॉब की बातों से सहमत हो जाती है। फिर वो शराब की एक बोतल लाती है और अपने पति से पूछती है कि क्या वो पीना चाहता है। रॉब उत्साहित हो जाता है और कुछ बर्फ पाने के लिए पुराना फ्रिज खोलता है। हालांकि फ्रीजर ठंड से भर गया है, लेकिन फिर भी वो बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। फिर जोड़ा अपने नए जीवन के लिए एक छोटा सा उपहार बनाता है। इससे पहले कि रॉब अपने पेय का एक घूंट ले पाता, उसे बर्फ के अंदर कुछ दिखाई दिया। वो इसे गिलास से बाहर निकालता है और गेल को दिखाता है और उससे पुष्टि करने के लिए कहता है कि बर्फ के टुकड़े के अंदर क्या है। गेल करीब से देखती है और अपने पति की तरह ही आश्चर्यचकित हो जाती है। उसने जो देखा उसकी पुष्टि करने के लिए गेल ने बर्फ के टुकड़े का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए एक आवर्धक कांच पकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि इसके अंदर एक छोटा सा विशालकाय जीव है जिसके शरीर में भाले हैं। गेल को आश्चर्य होता है कि क्या फ्रीजर में इनमें से अधिक चीजें हैं, इसलिए वो उसे खोलती है। वो जल्दी से अंदर का कबाड़ बाहर निकालती है और जो देखती है उससे चौंक जाती है। इसके साथ रॉब एक नजर डालता है और टिप्पणी करता है कि रेफ्रिजरेटर में एक खोई हुई सभ्यता है। ये सच है कि फ्रीजर में एक लघु कार्यशील मध्ययुगीन शहर है। अंदर सब कुछ इतनी तेजी से चलता है। छोटे लोग अपना दिन सामान्य रूप से बिताते हैं, अपने शहर के पास मंडरा रहे दो दिग्गजों से अप्रभावित रहते हैं। अविश्वास में गेल का दावा है कि जो हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है और रॉब सहमत है। फिर वो स्पष्ट करती है कि वे एक प्रारंभिक मध्ययुगीन शहर देख रहे हैं। जब नवपाषाण काल के अंत में ऊनी मैमथ विलुप्त हो गए तो रॉब ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए बस अपनी पत्नी से सहमत हो गया। बाद में रॉब जमे हुए मैमथ को मिट्टी के एक बर्तन में दबा देता है। रॉब इसके बारे में दुखी लगता है, इसलिए गेल ने मूड को हल्का किया और कहा कि यह शायद एक अच्छा उर्वरक बन जाएगा। जिज्ञासा हावी हो जाती है और दोनों फिर से फ्रीजर की जांच करते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सब कुछ काफी हद तक बदल गया है। जो स्थान कभी मध्ययुगीन शहर हुआ करता था वह अब औद्योगिक क्रांति के दौरान एक आधुनिक स्थान बन गया है। फैक्ट्रियां और रेलमार्ग बनाए जा रहे हैं जो फ्रीजर के आसमान को धुएं से ढक रहे हैं। जोड़े ने नोट किया कि वे केवल 10 मिनट के लिए गए हैं, लेकिन लघु लोगों के लिए दशकों पहले ही बीत चुके हैं। इसके साथ गेल का सिद्धांत है कि फ्रीजर के अंदर समय अलग अलग तरीके से चलता है। चूंकि वे बड़ी तेजी से औद्योगिक क्रांति को देख रहे हैं, रॉब निराश है कि वे पुनर्जागरण काल से चूक गए। वह एक निर्माणाधीन इमारत के पास बैठे दो छोटे आदमियों को देखता है और आश्चर्य करता है कि क्या लोग उन्हें देवताओं के रूप में देखते हैं। हालांकि पुरुष वास्तव में उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें आकाश में अजीब चेहरों के रूप में देख रहे हैं जो शहर को घूर रहे हैं। एक आदमी ने यहाँ तक टिप्पणी की कि वो गेल के दांतों में फंसी ब्रोकली को देखकर थक गया है। कुछ सेकंड बाद आधुनिक इमारतें खड़ी की जाती हैं। रॉब ने चारों ओर उड़ने वाली चीजों को देखा और गेल ने उन्हें हवाई जहाज के रूप में पहचाना, जैसे जैसे अधिक गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। गेल का मानना है कि लघु लोग वर्तमान समय तक पहुंच गए हैं। रॉब इसकी पुष्टि तब करता है जब वो एक स्टारबक्स स्टोर देखता है और टिप्पणी करता है कि कैफे वास्तव में हर जगह दिखाई देता है। तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है, इसलिए वो करीब से देखता है। अचानक एक मिसाइल शहर के बीच में गिरती है और फट जाती है। विस्फोट ने रॉब को अंधा कर दिया, जिससे वो पीछे हट गया और फर्श पर गिर गया। गेल उसकी मदद करता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन रॉब ये कहते हुए घबरा जाता है कि उनके फ्रीजर में सामरिक परमाणु विस्फोट हो रहे हैं। हालांकि रॉब का चेहरा टमाटर की तरह लाल है और गेल मुश्किल से अपना चेहरा सीधा रख पाते हैं। जैसे ही फ्रीजर विशाल परमाणु बमों के साथ फटता है, गेल अपने पति को एक चमकदार टोस्टर देती है, जिससे वो देख सके कि विस्फोट की गर्मी के कारण उसका चेहरा कैसे लाल हो गया है। रॉब कराहता है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि फ्रीजर में स्थिति और भी खराब हो गई है। चीख, गोलियों की आवाज और विस्फोटों को सुनकर दंपति इसे घूर कर देखते हैं। इसके साथ ही गेल फ्रीजर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि लोग संभवतः कुछ मिनटों में युद्ध से आगे नहीं बढ़ सकते। ये सुनकर रॉब पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और गेल जवाब देता है कि उन्हें पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। उस रात बाद में जोड़े ने रात के खाने के लिए पिज्जा खाया और स्थिति के खत्म होने का इंतजार किया। एक घंटा बीत चुका है
और रोब अनुशंसा करता है कि उन्हें फ्रीजर की जांच करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि लघु लोगों को अपने शहर का पुनर्निर्माण करने का मौका मिला, लेकिन गेल ने धीरे से उनसे कहा कि उन्हें इस संभावना को अपनाने की जरूरत है कि उन्होंने इसे नहीं बनाया। फिर भी रोब फ्रीजर के पास जाता है और उसे वैसे भी खोलता है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि फ्रीजर चमकदार शहरों और उड़ने वाली कारों से चमक रहा है। गेल का दावा है कि यह एमरल्ड सिटी जैसा दिखता है, लेकिन कम पन्ना और अधिक भविष्य के उपकरणों के साथ। इसे देखकर रोब प्रसन्न हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि सब कुछ कितना सुंदर है। अचानक उनके ठीक सामने एक इमारत उभरती है और रोब मजाक में कहता है कि यह एक वयस्क खिलौने जैसा दिखता है। तभी सब कुछ बिगड़ जाता है और भविष्य के शहर के बीच में एक विशाल पिरामिड दिखाई देता है। ये चमकता है और इससे जुड़े पुलों से बिजली की खपत करता है। अंततः यह एक हीरे के आकार के किले में बदल जाता है और पूरे शहर को तब तक निगलता है जब तक कि यह ऊर्जा की एक गेंद में बदल न जाए। रात सी ऊर्जा एक तारे की तरह फूटती है और प्रकाश की धारियां रोब और गेल की रसोई के चारों ओर घूमने लगती हैं, जिससे उनका अपार्टमेंट रोशनी से भर जाता है। वाय अद्भुत रोशनी उन दोनों को मोहित कर लेती है। इस अवधि के दौरान ऐसा लगता है जैसे लघु मानवों ने अंतरिक्ष यात्रा में समय के रहस्यों का पता लगा लिया है। इसके बाद प्रकाश की धारियां फ्रीजर में लौट आती हैं, एक गोले में एकत्रित हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। इससे रोब और गेल के चेहरे की मुस्कुराहट मिट गई जो उन्होंने अभी देखा उससे भ्रमित थे। रोब को आश्चर्य है कि क्या लघु लोग कभी वापस आएंगे, लेकिन गेल को लगता है कि इसकी संभावना नहीं है। इस वजह से रोब शोकपूर्वक रेफ्रिजरेटर का प्लग खींच लेता है, जैसे कि वो स्वीकार कर रहा हो कि वे छोटे लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये जानते हुए कि रोब को छोटे कद के लोगों से प्यार हो गया है, गेल ने उसे आराम से गले लगा लिया। फिर वो एक दिन बंद करने का निर्णय लेते हुए फ्रीजर बंद कर देती है। अगले दिन रोब अपने ऊपर कॉफी का कप डालती है और एक कप गेल को सौंपती है। एक दूसरे से एक शब्द भी कहे बिना दोनों अपने फ्रीजर में लघु सभ्यता के बारे में आश्चर्य करते हैं, थोड़ी सी आशा के साथ कि लघु लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने फ्रीजर को फिर से खोला और पाया कि प्लग बंद होने के बावजूद ठंडी धुंध निकल रही थी। अंदर वे एक और हिमयुग देखते हैं जहां आदिम सेपियंस एक शक्तिशाली ब्रचियोसॉरस के शव को खाते हैं। ऐसा लगता है जैसे फ्रीजर में जीवन फिर से शुरू हो गया है और यह अब डायनासोर के युग में लौट आया है। तभी एक दहाड़ आने वाले टायरानोसॉरस रेक्स के सेपियंस को सचेत कर देती है। सेपियंस तब भागते हैं जब कोई डायनासोर के दांतों के बीच फंस जाता है। आखिरी सेपियंस गिर जाता है, इसलिए टी रेक्स अंदर आ जाता है और मारने की कोशिश करता है। कई लोग दावा करते हैं कि फ्रीजर एक पॉकेट ब्रह्मांड की तरह है जो दिखाता है कि जीवन वास्तविकता को छोड़ने के बिंदु तक कैसे विकसित होता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि फ्रीजर ने उनकी दुनिया का अंत दिखा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लघु मनुष्यों को रहने के लिए एक अलग आयाम मिल गया है। यह अनिश्चित है कि जीवन की यह प्रक्रिया पुराने फ्रीजर में कितनी बार हुई, या क्या ये हमेशा एक ही तरह से चलती है। पिछले मालिकों ने जीवन को बार बार फलते फूलते और मरते देखा होगा, अंततः इससे ऊब गए और इस तरह असाधारण फ्रीजर को पीछे छोड़ दिया। हालांकि शो ने ये कभी नहीं बताया कि फ्रीजर के अंदर जीवन किसने बनाया। ओट स्टूडियो द्वारा गॉड सेरेंगेटी नामक एक एपिसोड शायद ये सुझाव दे सकता है कि किसने किया। हाथियों का एक झुंड एक खेत में यात्रा कर रहा है, लेकिन उनका खेत एक रहस्यमय आदमी के अध्ययन के बीच में एक मेज पर है। बूढ़ा आदमी इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त है। उसका बटलर जेफरी पूछता है कि किताब कैसी है और आदमी टिप्पणी करता है कि यह बहुत तकनीकी है और यह भी कहता है कि उसे अराजकता पसंद है। फिर भी उसे किताब में ब्लैक होल का नुस्खा पसंद है। वो अपना ध्यान अपनी जेब की दुनिया के छोटे प्राणियों की ओर लगाता है और एक छोटे से आदमी पर हंसता है जो दो छड़ियों को आपस में रगड़ रहा है। अचानक होमोसेपियन को आग जलाने का तरीका पता चल जाता है और बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। उसकी शिकायत है कि उसने यह नहीं कहा कि वे लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि उसे आग देनी है। जेफरी ने नोट किया कि उन्हें आग देने से पहले वर्तमान समय अवधि 200,000 वर्ष से अधिक है। इस वजह से बूढ़ा आदमी जेफरी को आग बुझाने का आदेश देता है, इसलिए बटलर मेज पर फूंक मारता है जिससे हवा बनती है जिससे आग बुझ जाती है। फिर भी बूढ़े आदमी को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो जेफरी से उन्हें उनकी गुफाओं में वापस रखने के लिए कहता है। बटलर आज्ञा का पालन करता है, इसलिए वो हाथियों को मनुष्यों की ओर भगाने के लिए प्रेरित करता है जिससे वे छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके पूरा होने के बाद बूढ़ा आदमी अभी भी जो कुछ हुआ उससे नाराज है, इसलिए उसने छोटे प्राणियों के दिमाग को सिकोड़ने की योजना बनाई है ताकि उन्हें अपनी पसंद बनाने से रोका जा सके। कुछ ही समय बाद होमोसेपियंस बारिश नृत्य करने के लिए फिर से गुफा से बाहर निकलते हैं। जेफरी ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने सूखे को दूर नहीं किया है, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति उसे चीजों के हिस्से पर कुछ पानी छिड़कने का आदेश देता है। जेफरी खुशी से सहमत हो जाता है और मेज पर पानी छिड़कता है
जिससे मैदान पर बारिश होती है। उन्होंने टिप्पणी की कि उनका भगवान दयालु है क्योंकि होमो सेपियंस आनंदित हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके उत्साह को देखकर खिलखिलाता है, इसलिए वो अपने भरोसेमंद बटलर को और अधिक पानी छिड़कने का आदेश देता है। जैसे ही जेफरी ऐसा करता है, छोटे से खेत में नए पौधे उगने लगते हैं। अंत में उसका मजा काफी हो गया और बूढ़ा व्यक्ति जेफरी को प्लेग छोड़ने के लिए कहता है। बटलर झिझकता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति इस छोटे से खेल को खत्म करने पर अड़ा हुआ है। रॉब और गेल जीवन को बिना किसी हस्तक्षेप के विकसित होते और मरते हुए देखते हैं, लेकिन उन सभ्यताओं के प्रति सहानुभूति के साथ जिन्हें वे देखते हैं। इसके विपरीत दूसरा एक अधिक शामिल भगवान को प्रस्तुत करता है जो अपनी मेज पर जीवन के प्रति उदासीन है, उन्हें मनोरंजन के रूप में मानता है जिसे वह आसानी से बंद कर सकता है।